हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है डेली करेंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 19 अक्टूबर 2024 के 20+ एमसीक्यू करेंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो के अंत तक देख कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसको राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रेखा शर्मा को, ऑप्शन बी विजया किशोर रहाटकर को, ऑप्शन सी सीमा सिंह को, और ऑप्शन डी विभा देशमुख को। तो प्रश्न के एक का सही जवाब ऑप्शन बी विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा है। प्रश्न संख्या दो है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट 2024 में भाग लेने के लिए 22 अक्टूबर को रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर कौन जाएंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या दो का सही जवाब ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या तीन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी गुजरात। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम। प्रश्न संख्या चार है कि NCERB रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामले में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन से 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8%, और ऑप्शन डी 10%। प्रश्न के चार का सही जवाब ऑप्शन ए 4%। प्रश्न के पाँच है कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? ऑप्शन से ए टीबी, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी मलेरिया, और ऑप्शन डी टाइफाइड। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब ऑप्शन है टीबी। प्रश्न संख्या पाँच टीबी, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। प्रश्न संख्या छः है कि UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या के लगभग 4,17,00,000 लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं? ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या छः का सही जवाब ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या सात है कि 12वें सुल्तान जोहार कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन से श्रीलंका में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी मलेशिया में, और ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब ऑप्शन सी मलेशिया में। प्रश्न संख्या आठ है कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन से शिवराज सिंह चौहान ने, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर ए जयशंकर ने, और ऑप्शन डी जयंत चौधरी ने। प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान ने। प्रश्न संख्या नौ है कि KBIC अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहाँ खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम द लैंग्वेज ऑफ फैशन थीम पर आधार प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन से लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलोर, और ऑप्शन डी नई दिल्ली।
संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन डी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को कहाँ कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ करेंगे। ऑप्शन से गांधीनगर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी भोपाल। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 11 है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है। ऑप्शन से 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन सी 10। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही के सेबी ने कब से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी को दूर करने के लिए लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन से 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी 1 नवंबर। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ऑप्शन से DRDO, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किस राज्य की निकिता पोरवोल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन से उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 15 है कि विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस वर्ल्ड पेडियाक्रेटिक बोन एंड ज्वाइंट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 नवंबर। प्रश्न संख्या 16 है कि 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कौन करेंगे। ऑप्शन से शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन डी जयंत चौधरी। प्रश्न संख्या 16, 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में किसने 18 अक्टूबर को मंत्रालय परिसर में एविएशन पार्क का अनावरण किया है। ऑप्शन से शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी किंजरापू राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन डी जयंत चौधरी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी किंजरापू राम मोहन नायडू। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में प्रसारणकर्ताओं के लिए नियामक प्रारूप परामर्श पत्र जारी किया है, किसने जारी किया। ऑप्शन से भारत सरकार ने, ऑप्शन बी ट्राई ने, ऑप्शन सी वायुसेना और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राई ने। प्रश्न संख्या 19 है कि किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी फ्रांस। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन डी फ्रांस।
ऑप्शन ऑप्शन बी अल्जीरिया। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई। ऑप्शन से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन बी जस्टिस राजकुमार सिन्हा, ऑप्शन सी जस्टिस संजीव खन्ना और ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत। प्रश्न के 20 का सही जवाब ऑप्शन सी जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। प्रश्न के 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किसे हाल ही में किसको JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी अजय जडेजा, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी नील कुंबले। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौरभ गांगुली। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 19 अक्टूबर 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।